आज अमेजोन पर ओप्पो A15 का फोटो लीक किया गया है और इस फ़ोन के बहुत सारे स्पेसिफिकेशन भी लीक हो चुके हैं, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप भी जानने में इंटरेस्टेड हो ओप्पो A15 के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा, तो बने रहे हमारे साथ। हेलो व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है यादव एंड यू वॉचिंग स्पाइट टॉक। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन से। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है पॉलीकार्बोनेट का बैक, और इसके साथ ही अगर मैं बात करता हूँ इस फोन के फ्रंट साइड के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.3 इंचेस का फुल एच डी प्लस IPS LCD पैनल वाला डिस्प्ले मिलने वाला है। और इसके साथ स्क्रीन रिजोल्यूशन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन रिजोल्यूशन मिलने वाला है 720x1520 पिक्सल, और पिक्सल डेंसिटी होने वाली है 271 PPI की पिक्सल डेंसिटी। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। और उसके साथ ही अगर मैं बात करता इस फोन के रैम वेरियंट्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाले 2 RAM वेरियंट। फर्स्ट वेरियंट में आपको देखने के लिए मिलने वाला है 3 GB के साथ 32 GB ROM, और सेकेंड वेरियंट में आपको देखने के लिए मिलने वाला है 4 GB के साथ 64 GB ROM। और उसके साथ ही प्रोसेसर की बात करते हैं, तो इस फोन में हमको उतना भी तगड़ा प्रोसेसर देखने के लिए नहीं मिलने वाला, पर 10,000 के प्राइस रेंज में आता है ये फ़ोन, तो ए प्रोसेसर बड़ा तगड़ा होने वाला है, जो कि होने वाला है MediaTek की तरफ से, MediaTek Helio P35। और रियर सेट के कैमरास के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा, यानी कि दोस्तों इस फोन के रियर साइड में आपको मिलने वाला है 3 कैमरास का इम्प्लीमेंट, जिसका प्राइमरी सेंसर होने वाला है 13 MP का, सेकेंडरी सेंसर में होने वाला है 5 MP का, और 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि होने वाला है थर्ड सेंसर। और उसके साथ ही सेल्फी के लिए मिलने वाला है 8 MP का सेल्फी कैमरा, इस जो कि एक यू नॉच सेल्फी कैमरा होने वाला है। और उसके साथ ही साथ बात कर लेते हैं इस फोन के बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 4230 mAh का बैटरी, जो कि आने वाला है 18 W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, और इसका फास्ट चार्जर इसके बॉक्स के अंदर ही देखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm ऑडियो जैक और डेडिकेटेड माइक्रो एसडी का स्लॉट भी देखने के लिए मिलने वाला है। और दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इंडिया में इसका स्टार्टिंग प्राइस 332 GB वाला वेरिएंट आपको लगभग मिल सकता है 10 से 12 हज़ार के प्राइसिंग में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 10,000 के प्राइसिंग में मिलने वाला है 13 MP का ट्रिपल रियर कैमरा, MediaTek Helio P35 का प्रोसेसर, और उसके साथ ही साथ फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आपको एक बजट कैटेगरी के अंदर ओप्पो का फ़ोन चाहिए, तो शायद से ये फ़ोन आपके लिए बेहतरीन चॉइस होने वाला है। और उसके साथ ही अगर मैं बात करता हूँ इस फ़ोन के लॉन्च डेट के बारे में, तो ये फ़ोन नवंबर महीने में लॉन्च होगा। तो दोस्तों यही था ओप्पो A15 के बारे में कुछ कन्फर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया, ये वीडियो को पसंद नहीं आया तो बताएं कि आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय बताना है, जिससे कि हम हमारे अगले वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिखाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।